नमस्कार दोस्तों दोस्तों घर बनाने के लिए आप जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सीमेंट ताज़ा सीमेंट है कि आपको डीलर या जहाँ से आप मलाए हैं क्या वो आपको एक्सपायरी सीमेंट दे दिया? अगर वो ताज़ा सीमेंट है तब तो भाई आपका घर बहुत ही मजबूत बनेगा, लेकिन अगर वो एक्सपायरी सीमेंट दे दिया तो भाई उसके बाद घर में आपको क्रैक ही क्रैक दिखेगा। और आपको बता दूँ, ज़्यादा अगर बोला जाए 3 से 6 महीना के बीच वाला ही सीमेंट ज़्यादा यूज कर सकते हैं, उससे ताज़ा होना ही चाहिए। और उसके बाद तो आप उस सीमेंट को बिल्कुल यूज मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेंथ इतना कम हो जाएगा, आज हम सब कुछ बताएंगे आपको कितना कम हो सकता है, कि फिर भाई जितना वो लोड कैपेसिटी ले सकता है, स्लैब हो चाहे कॉलम हो बीम हो, वो नहीं ले पाएगा। तो फिर आपका हर जगह क्रैक दिखेगा, स्लैब छत आपका फट जाएगा, फिर आपका वॉल में क्रैक दिखेगा जब भी आप ब्रिक वर्क करेंगे। तो अब इसमें क्या चीज़ कैसे चेक करना है कि भाई हम जो सीमेंट मंगा रहे हैं वो ताज़ा है या कि पूरा पुराना है, सीमेंट दे दिया मेरे कॉन्ट्रेक्टर। और उसी को लेकर के मेरा आज का टॉपिक है, हाउ टू चेक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट बोरा जब लाएंगे या जब खरीदेंगे तो उसमें कैसे चेक करेंगे कि भाई ये सीमेंट जो हम लाए हैं ये सीमेंट मेरा ताज़ा सीमेंट है या एक्सपायरी वाला है, ठीक है? तो अब एक एक करके हम आपको बताते हैं। कि उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई सीमेंट जब आप ला रहे हैं तो उस सीमेंट पर क्या क्या लिखा रहता है। अगर ये मान लिया जाए मेरा सीमेंट बैग है, ठीक है, इस सीमेंट बैग में क्या क्या लिखा रहेगा। तो पहला क्या है, जब भी आप सीमेंट बैग देखेंगे उसमें क्या रहेगा, पहला आपका उसमें ISI मार्क रहेगा, ISI मार्क रहेगा। ISI मार्क वाला ही आप सीमेंट खरीदिएगा, जिसमें ISI मार्क नहीं है उसको मत लीजिएगा। और ISI मार्क यानी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, BIS सर्टिफाइड वाला जो सीमेंट होगा, ये आपका सीमेंट बैग में रहेगा लिखा हुआ, ये रहेगा लिखा हुआ। और जिस कंपनी का आप ला रहे हैं उस कंपनी का वही नाम लिखा रहना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आप ला रहे हैं ACC का, तो ACC ही लिखा रहना चाहिए। अब ऐसा ना होने तो बहुत जगह लोग डुप्लीकेट बनाने चक्कर में करते हैं, ACC की जगह क्या लिखेगा, AC लिख देगा, ACA लिख देगा। तो इसलिए आप उसको देख लीजिए कि भाई हाँ ACC नाम का ब्रांड है तो भाई ACC है कि नहीं, लफार्ज है तो लफार्ज लिखा गया, स्पेलिंग एकदम पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोणार्क तो कोणार्क का स्पेलिंग सही है कि नहीं, आप उसको नेट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसमें आपको लिखा रहेगा वेट, भाई कितना वजन है। और हर एक सीमेंट बैग का 50 kg रहता है। और आप अगर साइट पर लाएंगे तो आप उसको एक बार नाप लीजिएगा कि 50 kg है कि भाई 50 kg से थोड़ा कम है। हाँ थोड़ा सा 10-20 ग्राम 25 ग्राम तक कम हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब 50 kg के जगह आपको 48 kg 45 kg का बैग पकड़ा दिया। ये भी चेक कीजिएगा, अगर बहुत सारा लॉट आता है उसमें से सबको चेक नहीं करना, सिर्फ एक ही बैग, एक लॉट आया उसमें से रेंडमली कोई एक या दो बोरा को उठाइए और चेक कर लीजिए। आप बस तो साइट में तो नापने वाला मशीन होता ही है। तो ये हो गया। तो और उसके बाद ग्रेड ऑफ, उसमें लिखा रहेगा ग्रेड ऑफ सीमेंट और उसका किस ग्रेड का है, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ आपको लिखा रहेगा कि भाई ये OPC है कि PPC है या PSC है। और इसमें OPC में भी आपको ये लिखा रहेगा कि कितना 53 ग्रेड का है कि आपका 43 का है। ये सब चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो रिक्वायरमेंट वही लीजिएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसको टेस्ट कैसे करना, चेक कैसे करना है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो बहुत सारा सीमेंट बैग में क्या क्या लिखा रहता है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक जगह लिखा रहेगा आपका, मान लें कि हमें आप जैसे 24 लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद लिखा रहेगा आपका 1 लिखा रहेगा, ठीक है, 24 लिखा रहेगा, 1 लिखा, सॉरी 24 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 20 लिखा रहेगा और आपका 25 लिखा रहेगा और 22 लिखा रहेगा। अब एक आम इंसान इसको देख के कैसे पता कर पाएगा कि भाई ये वाला सीमेंट में कब मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, ठीक। हम क्लियर करेंगे। आप देखिए कैलेंडर आपके पास होगा, कैलेंडर आप ले आइए,
एक एक करके बताएंगे आपको। ये कैलेंडर मेरा है और इसमें 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब हो गया आपका ये हो गया डेट, 24 डेट हो गया आपका, मतलब ये वाला दे 24 तारीख, ठीक है। 4 मतलब क्या हो गया आपका वीक, मतलब चौथा वीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कि 24 तारीख का चौथा वीक में ये मैन्युफैक्चर हुआ। ये हो देखिए, ये पहला वीक, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक, ये चौथा वीक में, ठीक है। और 1 क्या हो गया आपका दोस्तों, मंथ, 1 मंथ मतलब पहला मंथ, पहला मंथ मतलब हो गया आपका जनवरी, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका मंथ जनवरी, ठीक है। अब 20 क्या भाई, 20 हो गया आपका ईयर 2020, ठीक है। देखिए एकदम क्लियर हमको बता दे रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे भाई कि 24 जनवरी की हुआ है, ठीक है। अब देखिए 25 और 22 क्या है, 25 हो गया दोस्तों आपका ये फ्लाई एस परसेंटेज, इस सीमेंट में 25% फ्लाई एस है और 20% आपका स्लैग स्लैग परसेंटेज है, इसको छोड़ दीजिए, मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक, ये तो क्लियर हो गया ना आपका। तो पहला क्या आता है डेट, उस डेट में चौथा वीक ये। अब इसमें हम आपको एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, 4 महीना यहाँ है कि हम 5वां ले लेते हैं, हम 1 फरवरी का बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा। ये 6वां सप्ताह 8 का हम लेते हैं। अब मान लिया जाए अगर लिखा रहेगा कि डेट किस डेट में, तो 8वां महीना का मेरी एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहे हैं, तो लिखा रहेगा 11, तो यहाँ पे 11, ठीक है। और ये वीक आपका 8, 11, 8, मन यहाँ 2 लिखा रहेगा, ये 20 लिखा रहेगा। अब आप इसको बोलिए, ऐसे तो लोग पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन इसको अब आसान हम क्या कर दिए, आप मोबाइल में कैलेंडर होगा तुरंत देखिए कितना महीना है। तो पहला वाला क्या होता है डेट है, ये 11 तारीख को जो है ये मैन्युफैक्चर हुआ, 8वां सप्ताह या आज हम काउंट करके बताया आपको, 8वां सप्ताह में 8 वीक, इस तरह टोटल हम लोग कितना 56 वीक है ना, इस तरह पूरा साल में देखेंगे तो ये 8वां वीक है, ठीक है। फिर दूसरा क्या मंथ, मतलब फरवरी हो गया। फिर ये तीसरा क्या है ईयर, ईयर कितना 2020, यहाँ भी 2020 है ना आसानी। तो अब इस वर्ड को आप पढ़ सकते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ भाई, आप जान गए कि ये भाई फरवरी का 11 तारीख को ये बना सीमेंट, और ये उस दिन क्या था 8वां वीक था, मतलब फरवरी का ये, और ये 2 मतलब हो गया मन फरवरी, और ये हो गया आपका ईयर। बहुत जगह क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे बहुत जगह क्या होगा कि सिर्फ आपका यही बस इतना ही रहेगा, ये परसेंटेज नहीं रहेगा, बहुत जगह बस ये रहेगा लिखा। और बहुत जगह देखिए हम 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत जगह ये लिखा रहेगा डी माने D24 पहले से लिख दे डेट, और आपका W1 आपका, फिर M1 और Y20 इस तरह का लिखा रहेगा बहुत जगह, आपको आसान है डेट वीक मंथ ईयर। मैं तो बहुत जगह बस ओनली डिजिट वाला तो हम बता ही दिया आपको, बहुत जगह बस इतना ही रहेगा लिखा हुआ है 22 D20 W1 M1, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसान तरीका है। हमेशा कैलेंडर के हिसाब से आप देखिए, कैलेंडर में बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है, और उससे आप पता कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ है कि नहीं। और यहाँ तक कि आपको बता दो कि आपका सीमेंट बैग पर भी आपको लिखा रहेगा कि भाई ये कितना बेस्ट बिफोर लिखा रहेगा, बेस्ट बिफोर, चाहे आपका बहुत जगह 3 मंथ लिखा रहता है, बहुत जगह 6 मंथ लिखा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर 3 मंथ है तो मतलब क्या हुआ कि आपका कौन सा तारीख में, 24 तारीख का आपका जनवरी है, तो 3 महीना अगर का है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक में आपको इसको यूज कर लेना, उससे के बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं कि भाई अगर उससे ज़्यादा चले जाएंगे, चाहे हम 6 महीना बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद अगर इस्तेमाल करें वही सीमेंट बैग को जो डीलर से हम लाए हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए उसके लिए क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। कितना कम होगा हम वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, तो इसको देखिए क्या है। तो ये है आपका डे, ठीक है, ये हो गया डे, और इधर आ गया स्ट्रेंथ रिडक्शन, कितना कम होगा, ठीक है। अगर आपका नया एकदम ताज़ा है, ठीक है, ताज़ा सीमेंट फ्रेश है, तो आपका इसमें 0% स्ट्रेंथ कम होगा, एकदम बहुत अच्छा मजबूत घर बनेगा आपका, पहले बता रहा हूँ। अगर आपका यही चीज़ 3 महीना पुराना सीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो चलो भाई उसमें 20% आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा सीमेंट का, जितना उसका आना चाहिए 100 में से 20% वो चला गया, 80% स्ट्रेंथ बचा आपका, ठीक है। और अगर 6 मंथ पुराना अगर लाए, तो ये आपका उसका 30% स्ट्रेंथ कम हो गया, मतलब 70% स्ट्रेंथ अभी उसमें बचा हुआ है। अब भाई वो 70% तक यूज कर सकते हैं, चले बोल काम चले बोले। और वही अगर आपका 12 मंथ मतलब 1 साल, तो ये आपका 40% तक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझिए किसी का ताकत अगर 100 में से 40% निकाल दिया जाए, तो कितना स्ट्रेंथ बचेगा उसका। इसलिए हम बार बार कहता हूँ कि भाई कि जब भी कभी आप सीमेंट लाइएगा डीलर से, तो ये एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। आज हम आपको बता दिए कि भाई कैसे, वहाँ जो लिखा रहेगा उसमें आपको कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। और बहुत जगह तो उस सीमेंट में भी लिखा रहता है डेट वीक मंथ, इस हिसाब से आप तुरंत मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो बहुत जगह ओनली रहेगा वीक और ईयर रहेगा, बहुत जगह क्या रहेगा ओनली वीक या ईयर रहेगा, ठीक है। वीक ईयर मतलब क्या हो गया, मान लिया इसका एग्जांपल ले, ऐसे लिखे रहेगा 8/20 आठवां महीना, और ये 2020 ये चीज है। उस तरह वही अगर जाएंगे बारहवां महीना 2020, तो ये आपका चला जाएगा किस में चला जाएगा, मार्च में चला जाएगा, आसपास में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अब वही कि अब 2 साल बाद 2 ईयर्स में क्या होगा भाई, 2 ईयर्स में उसका स्ट्रेंथ 50% से ज़्यादा हो जाएगा, जिसको तो आप बिल्कुल यूज मत कीजिए, इसको भी नहीं यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि 6 महीना तक यूज कर सकते हैं, और अगर कोशिश कीजिए कि भाई 3 महीना के अंदर उस सीमेंट को यूज कर लिए, तो बल्ले बल्ले है, आपका घर एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको चाहते हैं स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हैं, कि एक तरीका था बताने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके, या ना तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना, कि जब जब आपका दोस्त सिविल इंजीनियर कोई नया वीडियो अपलोड करेगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।